पाकिस्तान टीम सुपर फोर में आई, भारतीय टीम की टेंशन बढ़ाई, एशिया कप में टीम इंडिया ने नाक कटाई। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2023 का खिताब जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। 30 अगस्त को शुरू हुए टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं। इन टीमों को दो ग्रुपों में बांटा गया है। यहां दो दो मैच खेलने के बाद टॉप टू पर रहने वाली टीमों को सुपर फोर में जगह मिलेगी। वहां सभी टीमें तीन तीन मुकाबले खेलेंगी। सुपर फोर में टॉप टू पर रहने वाली टीमों को फाइनल में जगह मिलेगी। एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। पल्लिकले इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने हुई। पाकिस्तान की सदी हुई गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आई। भारत ने पाकिस्तान को इस मुकाबले में जीतने के लिए 267 रनों का लक्ष्य रखा। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से ये मैच रद्द घोषित कर दिया गया। रद्द हुए मैच से भारत और पाकिस्तान के बीच एक एक अंक बढ़ गया। पाकिस्तान की टीम 3 अंक लेकर सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर गई। बाबर आजम की सेना एशिया कप 2023 के सुपर फोर में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि टीम इंडिया ने भी 1 अंक के साथ पॉइंट टेबल में खाता खोला है। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में नेपाल को 238 रनों के बड़े अंतर से हराया था। उसने दो मैचों में 1 जीत के साथ 3 अंक लेकर ग्रुप ए में सुपर फोर में जगह बनाई है। पाकिस्तान का नेट रन रेट 4.760 है। दूसरी ओर भारत 1 अंक के साथ अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर है। टीम इंडिया को अपने दूसरे मैच में नेपाल से भिड़ना है। भारतीय टीम 4 सितंबर को नेपाल से टकराएगी। यदि भारत और नेपाल का मैच ड्रॉ भी रहा तो टीम इंडिया 2 अंक लेकर सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।